इस न्यूज के प्रायोजक हैं डॉक्टर के प्लस, रेट में कम क्वालिटी में दम। कोरोना के चलते इस बार ज्यादातर व्यापार व्यवसाय ठप पड़ गए हैं। वही व्यापार में नुकसान देखने को मिल रहा है, जिसका असर इंदौर में फूल मंडी में भी देखने को मिला। फूल की आवक कम होने के कारण इस बार फूलों के भाव में काफी तेजी आई है। शहर की फूल मंडी में नवरात्रि के पर्व के बावजूद भी फूलों की बिक्री में कोई उठाव नहीं आया है, जिसका पहला कारण कोरोना है और दूसरा कारण बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फूलों की खेती का खराब होना है। मंडी में पिछले साल के मुकाबले इस बार फूलों के भाव दोगुने हो गए हैं। अभी मेन दशहरे और नवरात्रि के लिए गेंदे का फूल ज़्यादा मात्रा में आता है, उसके साथ ही गुलाब के फूलों की भी अच्छी डिमांड रहती है। इस साल फूलों की डिमांड कम है हर साल के मुकाबले। लॉकडाउन के कारण किसानों ने जो गेंदा लगता है वो लग भी नहीं पाया है। उस टाइम बीजों बीज मिलने में दिक्कत आ रही थी, खाद मिलने में दिक्कत आ रही थी, तो हर साल के मुकाबले माल कम है और ग्राहकी भी कम है। इस समय गेंदा 30 से 60 रुपए किलो बिक रहा है मंडी में। अच्छा माल कम है, बारिश ज़्यादा होने के कारण भी गेंदा ख़राब हो रहा है। भाई इस साल क्या है कि बारिश जो अचानक जो बारिश हुई है उसकी वजह से फूल ज़्यादा डैमेज हो गया, किसानों का नुकसान हो गया, उस वजह से फूल कम आ रहा है। कम आने की वजह से जो है तो भाव ज़्यादा है, भाव ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में अभी डिमांड कम है, तो उसकी वजह से बेचने में भी परेशानी आ रही है। और बाज़ार में क्या है कि अभी दुकानें इतनी खुली नहीं है, कोरोना का असर है, उसकी वजह से जो है तो परेशानियाँ ज़्यादा हो रही हैं। नवरात्रि के मौके पर बाजारों में इन दिनों गेंदे के फूल और गुलाब के फूलों की मांग ज़्यादा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज़।